मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जब कोई भी हमारे पैर छुए तो हमको क्या करना चाहिए। वैसे तो बोला गया है कि पुराने समय से ही एक परंपरा चली आ रही है कि जब भी हम किसी विद्वान व्यक्ति या उम्र से बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो सादर उनके पैर को छूना चाहिए, यानी आदर के साथ, सम्मान के साथ। ऐसा नहीं कि हल्का झुक लिया काम चलाओ, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस परंपरा को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि बड़ों के पैर को हमेशा छूना चाहिए, लेकिन जब कोई हमारे पैर छुए तो हमें क्या करना चाहिए। पहले तो बात ये करते हैं, जब भी हमको किसी बड़े का पैर छूना है तो पहले मुख पे स्माइल रखें, यानी सामने वालों को ये ना लगे कि बिना मन का कोई पैर छू रहा है या गुस्से में कोई किसी का पैर छू रहा है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मुख में स्माइल होनी चाहिए, साथ ही साथ हमको अपने राइट हैंड को उनके राइट पैर में ही लगाना चाहिए और नाखून का जो अग्र भाग है, नाखून के पास का जो क्षेत्र है, उसमें पूरी अपनी हथेली को रखनी चाहिए क्योंकि वहाँ की एनर्जी हमको चाहिए। हमारे लेफ्ट जो हैंड है, यानी हमारा जो बायां हाथ है, वो उनके बाएं पैर में आना चाहिए, यानी हाथ थोड़ा सा क्रॉस जैसा हो जाएगा। मैं फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, उसके हिसाब से समझ जाइए। और ऐसा करने के बाद अपने माथे से लगाना चाहिए और इसको 3 बार करना चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमको बहुत लाभ मिलता है। लेकिन अगर बोला गया कि बहुत से लोग अगर हमारा पैर छू रहे हैं तब हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पे घमंड करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक परंपरा है जो कि अगर दूसरे लोग करते हैं, चरण स्पर्श करने से हम जानते हैं कि हमको धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के लाभ मिलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, हमारे पैर छुए तो उन्हें आशीर्वाद हमें देना ही चाहिए। साथ ही साथ भगवान या अपने इष्ट देव को भी याद करना बहुत आवश्यक है। आमतौर पर हम यही प्रयास करते हैं कि हमारा पैर किसी को ना लगे। अगर दीवार में भी पैर लगता है तो हमको क्षमा मांगना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अगर किसी कन्या को हम प्रणाम कर रहे हैं या कोई कन्या हमको प्रणाम करे तो हम तो कर सकते हैं, लेकिन बच्ची अगर कर रही है तो उनको बोल दीजिए, बेटी कि मेरे पैर के सामने का जो क्षेत्र है उसको आप प्रणाम करो, या तो न करें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देवी स्वरूपा होती है। यानी लड़कियों से अपने पैर को नहीं छुआना चाहिए। अब यहाँ पर बात यह आती है कि क्या हमको और कोई आशीर्वाद देने का तरीका है, तो हाँ, आशीर्वाद देने के तरीके में एक आशीर्वाद का तरीका होता है कि जो सिर का जो ऊपरी भाग होता है उसको सूंघ कर भी आशीर्वाद दिया जाता है। साथ ही साथ बोल लिया जाता है कि अगर कोई हमको बार बार पैर छू रहा है तो हमारी जो शक्ति है उसका ह्रास होता है, क्योंकि हमारा जो असली शक्ति है वो हमारे शरीर में तरंग के रूप में रहता है। इसलिए बोला गया है भूमि में रह करके हमको कोई भी मंत्र नहीं जपना चाहिए, क्योंकि वो अर्थिंग माध्यम से सीधा पृथ्वी में उसका प्रभाव चला जाता है। इसके लिए हमको विशेष रूप से ऐसा कोई प्रणाम करता है तो हमारी एनर्जी को वो कहीं ना कहीं ले जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम्। यानी बोला गया कि अगर अभिवादन, जो व्यक्ति रोज रोज बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करता है, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति अवश्य बढ़ती है। यानी जिसको दीर्घायु चाहिए, विद्या चाहिए, यश चाहिए और शक्ति चाहिए, उन सबको ये प्रणाम करने से ही मिलता है। जब भी कोई हमारे पैर छूता है तो उस समय भगवान का नाम लेने से पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलते हैं। आशीर्वाद देने से पैर छूने वाले व्यक्ति की समस्याएं खत्म होती है, उम्र बढ़ती और नकारात्मक विचार जो हैं उन सब से उनकी रक्षा होती है, वह खुश हो जाता है और उसके मन में बहुत ही पॉजिटिव यानी सकारात्मक चीज़ उसके अंदर आती है। अब बात यह आती है, किसी बड़े के पैर क्यों छूना चाहिए। पैर छूना या प्रणाम करना केवल एक परंपरा नहीं है, एक वैज्ञानिक क्रिया है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ा है। पैर छूने से केवल बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता, हम लोग जानते ही हैं कि बड़ों के स्वभाव की अच्छी बातें भी हमारे अंदर उतर जाती है। पैर छूने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारी कसरत भी होती है। आमतौर पर 3 तरीके से पैर छुआ जाता है। पहला तरीका है झुक कर पैर छूना चाहिए, दूसरा तरीका है घुटने के बल बैठकर पैर छूना चाहिए, और तीसरा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अब झुक कर पैर छूना ये कैसे होगा। झुक कर पैर छूने में हमारी कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। घुटने के बल बैठकर पैर छूना, इस विधि से पैर छूने हमारे शरीर के जोड़ों पर बल पड़ता है और जोड़ों में भी राहत मिलती है। लेकिन अगर साष्टांग प्रणाम करते हैं तो हमारे सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए सीधे तन जाते हैं
और हमको बहुत ही आनंद आता है। हम लोग नवरात्रि पर्व जो आ रहा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग साष्टांग सो सो करके लाइन खींच खींच करके आगे बढ़ते हैं, पूरे मतलब अपने घर से बहुत दूर दूर की यात्राएं करते हैं, तीर्थ यात्रा इसी भाव से करते हैं कि हे माता हमने अपना साष्टांग हर प्रकार के अंग को आपको समर्पित कर लिए हैं, और हे माता दंडवत प्रणाम भी जिसको बोला जाता है, लकड़ी के आकार में सीधा सीधा एक लकड़ी के आकार में सो करके प्रणाम किया जाता है। साष्टांग यानी हर अंग को हम शरीर से छुआ करके माथे को जब भूमि में लगाते हैं तो हमको लाभ मिलता है। आप लोगों ने जाना कि हमको प्रणाम क्यों करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे आयुर्विद्या यश और बल ये सभी चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन अगर कोई हमको प्रणाम करे तो हमको अपने माता पिता और इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए कि वो इनका कल्याण करें, मैं इनको आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। और सबसे मुख्य बात, पैर छूने के तीसरे का तरीका जो होता है साष्टांग प्रणाम, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसको करने के बाद आप स्वयं में देखेंगे कि हमारे अंदर का थोड़ा भी अहंकार है, कुछ भी घमंड है, कोई गलत भाव है, वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। किसी के पैर छूने का मतलब है उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव जगाना। जब मन में समर्पण का भाव आता है तो अहंकार खत्म हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का हम लोग प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, तो कितनों भी हमारी गलती हो सामने वाला हमें क्षमा कर देता है। विशेष रूप से आशीर्वाद देने की भी विधियों पे हम लोगों ने चर्चा की कि किसी के कपाल को, माथे को यानी ऊपर का जो बाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर सूंघ कर भी आशीर्वाद दिया जाता है, और वहाँ माथे के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर हाथ फेर करके भी आशीर्वाद दिया जाता है, या फिर हाथ जोड़ करके देवता से विनती की जाती है कि इनके ऊपर कृपा दृष्टि करे, कल्याण हो, दीर्घायु भव। अगर किसी का जन्मदिन होता है तो हम सभी ये मंगल कामना करते हैं कि हे प्रभु इस व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करे। बोला भी गया है पहला सुख निरोगी काया, तो किसी भी व्यक्ति के निरोगी काया के लिए हमको पहले उनको आशीर्वाद देना चाहिए। दूसरा सुख धन के लिए उनकी कामना करनी चाहिए। अगर किसी की कामना हो रही कोई घर बनवा रहा है और वो हमको प्रणाम किया, तो हमको उनके कार्य के लिए उनको बोलना चाहिए कि प्रभु आपके कार्य में आपको सफलता दिलाए, जल्द से जल्द घर बन जाए, जल्द से जल्द आपका विवाह नहीं हो रहा विवाह हो जाए, ऐसा ही मंगल कामना हमको करना चाहिए। तो मित्रों कैसा लगा ये वीडियो, साथ ही साथ आप इस संबंध में और कुछ जानकारी चाहते हैं या आप जानते भी हैं तो कमेंट जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।